चलिए जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आपके लिए टीआर जैन लेकर आया हूं अन अकेडमी पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पर बेसिकली मैंने आपके साथ दो क्लास पहले कर ली हैं और आज की जो मेरी क्लास है थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं शेयर कैपिटल को लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट क्लास जो मैंने की थी उसमें मैंने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर का प्रोसीजर पूरा आपको बता दिया था कि किस तरह से कंपनी शेयर इशू करेगी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, किस तरह से मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करवाऊं, स्टार्ट करवाने से पहले मैं बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम है टीआर जैन और मैं अन अकेडमी पर आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटेंसी की क्लासेस। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी पर आपके लिए लेकर आया हूं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं आपके साथ क्लास करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन बेटा प्रेस करें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है तिलक राज जैन, टीआर जैन, और मैं पिछले 15 साल से भी ज़्यादा से अकाउंटेंसी की क्लासेस ले रहा हूँ। सीए क्लासेस को लेकर और वेरियस लेवल पर मैंने अकाउंटेंसी की क्लासेस जो है वो पढ़ाई हैं। अब मैं आपको लेकर आया हूँ अन अकेडमी पर आपके लिए सीए फाउंडेशन कोर्स। सीए फाउंडेशन कोर्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी की क्लासेस। और भाई मैं आपको बता दूँ, सीए फाउंडेशन में अगर आपको अन अकेडमी पर पढ़ना है तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। आपको जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं, ऐसे ही हमारे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी आपको बहुत सारी जो है फ्री क्लासेस वहाँ मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको करना है पूरा कोर्स मेरे साथ, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है और आपको करना है पूरा कोर्स मेरे साथ सीए फाउंडेशन को लेकर, तो सीए फाउंडेशन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी का। ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, ये सब मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एज अ टीचर अगर मैं आपको गाइड करूं तो आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कम से कम लेना चाहिए, जिसका प्राइस है, वैसे तो बेटा यहाँ आप देख पा रहे हैं 17,500 रुपये, लेकिन नीचे आप देखो तिलक राज कोड हाई लाइट हो रहा है। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो यही क्लास आपको 15,750 रुपये में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 21,000 है, लेकिन डिस्काउंट लेस करने के बाद ये आपको मिलता है 18,900, मात्र 18,900 में। मैं आपको बता दूं, ये जो सब्सक्रिप्शन है बेटा ये सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट क्लास के लिए है। मतलब एक बार अगर आपने लिया सब्सक्रिप्शन तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं, कितने टाइम देख सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, पेड, फ्री सब क्लास देख सकते हैं। और चाहे सीए फाउंडेशन की क्लास हो, चाहे सीए इंटरमीडिएट की क्लास हो, किसी भी टीचर की कोई भी क्लास आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर सब्सक्रिप्शन लें तो ये कोड मत भूलेगा, तिलक राज मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ करके आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो लीजिएगा। और भाई अगर मैं बता दूं, आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये देखिएगा स्क्रीन पर आपको मटेरियल मैंने शेयर किया हुआ है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये मेरे टॉपिक का नाम है जो क्लासेस बेटा मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के टॉपिक में लास्ट क्लास जो आपके साथ की थी वहाँ मैंने आपको एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सारे केस मैंने आपको बता दिए थे, किस तरह से एंट्रीज बनेंगी ये सब बातें मैंने बताई थी। आज की जो मेरी क्लास है वहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ये टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग क्वेश्चन, जिनमें पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कॉल्स इन एरियर। चलिए आप एक बार जरा नोटबुक निकालें, और मैंने भी एक डिजिटल नोटबुक यहाँ बनाई हुई है, एक नोटबुक आप निकालें और इसमें आप करिए नोट। मैं हर एक पॉइंट आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट करवाने वाला हूँ। आज की जो मेरी क्लास है वो स्टार्ट होगी बेटा कॉल्स इन एरियर्स के साथ, कॉल्स इन एरियर्स के साथ। मैं आपको बता दूं, मेरा जो टॉपिक है इसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स।
मेरा जो टॉपिक है इसका नाम है बेटा कॉल्स इन एरियर्स। बेसिकली क्या होता है बेटा, जब कंपनी शेयर होल्डर से कॉल्ड अप कैपिटल कॉल करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल्ड अप कैपिटल जब कॉल करती है, कॉल्ड अप कैपिटल बेटे, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है शेयर होल्डर से पैसा कॉल करना। मान लीजिए हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर्स का एक लोट इशू किया 100 रुपये वाला, तो इसका अमाउंट हो गया बेटे 10 लाख रुपए। अब क्या रहता है बेटे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी। ये अमाउंट हमें शेयर होल्डर से रिसीव होना था। मान लीजिए एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 20, टोटल अमाउंट आपका आएगा 100। टोटल अमाउंट आपका आएगा 100 बेटे। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 20, ये अमाउंट अगर बेटे आपको शेयर होल्डर से होता है रिसीव, और अगर मान लो मैंने कॉल किया और शेयर होल्डर अगर कोई अमाउंट पे ना कर पाए, अगर कोई अमाउंट पे ना कर पाए, शेयर होल्डर अगर कोई अमाउंट पे ना कर पाए, तो मैं आपको ये बता दूं, कॉल्ड अप कैपिटल में अगर शेयर होल्डर कोई अमाउंट पे ना कर पाए, तो मैं आपको ये बता दूं, उसे नाम देंगे कॉल इन एरियर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूँ, फर्स्ट कॉल के टाइम पर एक शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो गया, फर्स्ट और सेकंड कॉल पर 500 शेयर का जो शेयर होल्डर है नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, हमें उसकी अकाउंटिंग करनी होगी। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ ही आपको ये एंट्री बनवाते हुए लेकर चल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, कोल्ड अप कैपिटल को लेकर हमारे पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये सब हैं। एप्लीकेशन है 30, अलॉटमेंट है 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 20, और ये अमाउंट हमारे पास आना था। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का 500 शेयर्स का अमाउंट नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे एंट्री बनाएंगे, ये देखो। सबसे पहली एंट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन के साथ। पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 30 रुपये हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर इंटू 30, ये अमाउंट आएगा 3 लाख रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर टू हम लोग बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का जो अमाउंट है बेटे ये आपका चला जाएगा कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये चला जाएगा आपका कैपिटल में। उसके बाद अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, उसके बाद अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का। एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया 3 लाख, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव करेंगे ना बेटे, रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट के नाम पर अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट के नाम पर अमाउंट रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे बेटे फर्स्ट कॉल, पूरी बात सुनना। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर करते हैं ड्यू, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपये के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे, तो बेटे 10,000 पर 20 के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे 2 लाख, 10,000 पर 20 के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे 2 लाख, रिसीव करेंगे ना तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल के आने थे 2 लाख रुपए, लेकिन क्या होता है सुनो, लेकिन क्या होता है 500 शेयर इंटू 20, 500 शेयर इंटू 20, ये अमाउंट कितना आ गया बेटे 10,000, इतना अमाउंट कॉल इन एरियर में चला गया। तो अगर मैं बात करूं कॉल इन एरियर में इतना अमाउंट चला गया तो नेट अमाउंट 1,90,000 ये रिसीव हो जाएगा। एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे, ये वाली एंट्री ही हम लोग बना देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड कॉल को लेकर, तो ये देखिएगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 20 रुपए के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए बेटा, इतना सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे ना तो भाई एंट्री क्या बना देंगे, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल के 2 लाख रुपए अगर रिसीव होंगे, एंट्री 2 लाख में से 10,000 छोड़कर, वही 500 का छोड़कर बाकी अमाउंट रिसीव होगा। इसका मतलब ये हो गया कॉल इन एरियर्स को हम लोग कॉल इन एरियर में ये लिखेंगे। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये क्लियर है क्या बेटा? इतना काम करने के बाद फिर पता है क्या होगा, अगर आप मेरी बात को समझें, पूरी बात समझना, कॉल इन एरियर का अमाउंट डेबिट हो गया क्योंकि रिसीव नहीं हुआ। इन फ्यूचर अगर कभी भी कॉल इन एरियर रिसीव होता है, इन फ्यूचर कभी भी कॉल इन एरियर अगर रिसीव होता है तो बेटा एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। लिखो जरा, इन फ्यूचर कभी भी कॉल इन एरियर रिसीव होगा, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, एक तो ये बनेगा, और जो कॉल इन एरियर था बेटा शेयर होल्डर से, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस तरह से हम इसकी एंट्री जो है वो बना सकते हैं। इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ, बोलिए, इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ, क्लियर है? सुनते चलो आप ध्यान से बेटे। इतना काम करने के बाद ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ये आपका बन जाएगा। इतनी बात को बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? जितना पीरियड डिले होगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ये उतने पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना सबको क्लियर है क्या? चलो मैं इससे आगे, आप मेरी बात को सुनना। अच्छा, अगर मैं आपकी बुक से, मटेरियल बुक से बात करूं, ये देखो मैंने कॉल इन एरियर को लेकर बताया था,
एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखो आप जरा, मैंने इंटरेस्ट को लेकर एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, अगर आप मेरी बात को बढ़िया से समझेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, अगर कंपनी को कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका रेट अकॉर्डिंग टू टेबल एफ 10% पर एनम होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और जिस दिन आपका कॉल इन एरियर का अमाउंट रिसीव हुआ, कॉल इन एरियर का अमाउंट आपको शेयर होल्डर से रिसीव अलग डेट पर हुआ है, तो कॉल इन एरियर में जितना डिले पीरियड है, कॉल इन एरियर्स में जितना आपने डिले किया पेमेंट की डेट से लेकर जिस दिन पेमेंट होना चाहिए था और जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट हुआ, जो डिफरेंस है उतने पीरियड पर इंटरेस्ट अप्लाई होगा और रेट क्या लगेगा, 10% पर एनम रेट रहेगा, ये वाली बात आपको मानकर चलनी है, समझ में आना चाहिए। एंट्रीज क्या बनेंगी, ये देखो स्क्रीन पर ये मैंने बनवाई है, और कॉल इन एरियर को लेकर आपको यहाँ मटेरियल में क्वेश्चन दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में अभी करवा दिया। उसके बाद मैं आपको लेकर आ रहा हूँ कॉल इन एडवांस पर। आपको पहले मैं कॉल इन एडवांस के बारे में बता दूँ, और कॉल इन एडवांस का ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बार आप अपनी नोटबुक निकाल लो, मैं आपको कॉल इन एडवांस को लेकर के पहले एंट्रीज बता दूँ। बेटे अगर हम लोग बात करते हैं कॉल इन एडवांस को लेकर, देखो सबसे पहली बात क्या है, अपने को ये देखना होता है कि एंट्री बनेंगी क्या और टॉपिक क्या है। बेटे कॉल इन एडवांस का मतलब होता है अगर शेयर होल्डर, कॉल इन एडवांस का मीनिंग है अगर शेयर होल्डर बिना कॉल किए एडवांस में अपनी कॉल मनी का अमाउंट हमें पे कर दे, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉल इन एडवांस। बेटे कई बार ऐसा रहता है कि एक पर्सन से हमने अमाउंट ऑफ कॉल किया ही नहीं था, और वो पर्सन बिना कॉल किए, फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट के टाइम पर ही अगर कोई पर्सन हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पे कर दे, अलॉटमेंट के टाइम पर ही हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पे कर दे, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं कॉल इन एडवांस। सही है, अगर कॉल इन एडवांस होगा तो कॉल इन एडवांस को लेकर के क्या एंट्री बनेगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉल इन एडवांस को लेकर के क्या एंट्री बनेगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल इन एडवांस पे करेगा, कॉल इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप नोट कर लो, कॉल इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा, कॉल इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा वो होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कॉल इन एडवांस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो भाई कॉल इन एडवांस अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसा देगा, पहली बात तो हम लोग एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, ये एंट्री कब बनेगी, व्हेन रिसीव, व्हेन रिसीव। और मान लीजिए कॉल इन एडवांस सेकंड कॉल के पैसे या फाइनल कॉल के पैसे हमें एडवांस में मिले, और जब फाइनल कॉल के ड्यू करके रिसीव करने की बारी आएगी तब एंट्री बन जाएगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, तब एंट्री बन जाएगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट है वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा जिस कॉल के लिए वो आया था, जिस कॉल के लिए हमें एडवांस आया था बाद में बेटा वो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट को लेकर, कॉल इन एडवांस पर अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट को लेकर, तो भाई याद रखना, कॉल इन एडवांस पर अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट को लेकर, कंपनी अगर कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे करेगी, एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बाद में इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, बाद में इसको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इसको हम लोग बाद में राइट ऑफ करेंगे, एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट, ये वाली एंट्री बना दूंगा। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू बैंक, और दूसरी एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये वाली एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ, सही बात। चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर हम लोग बात करें, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ लिख के चल रहा हूँ, और इसका एग्जाम्पल लिखने के बाद उसको डिस्कस करेंगे बेटा। ये देखिएगा आपका एग्जाम्पल क्या है, एस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो। 80,000 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये। बेटे 80,000 शेयर 10 रुपये वाले हैं तो कितने के हो गए, 8 लाख। ये देखो 80,000 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस है 10, तो ये हो गए 8 लाख रुपए के। इनका अमाउंट कैसे आना है, पहले आना है एप्लीकेशन पर, उसके बाद आना है अलॉटमेंट पर, उसके बाद आना है फर्स्ट कॉल पर, और उसके बाद आना है सेकंड कॉल पर। इस तरह से अमाउंट आएगा। अब सुनो, अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन पर आने 2 रुपये 50 पैसे, अलॉटमेंट पर 2 रुपये 50 पैसे, फर्स्ट कॉल पर 3 और सेकंड कॉल पर 3, तो ये देखो 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पर 3, ये अमाउंट तो मैंने लिख दिया। ये डेट है मई 1, जून 1, नवंबर 1, लिख रहा हूं मई 1, जून 1, नवंबर 1, और अगली जो डेट है फेब 1, 2006, इन डेट में ये अमाउंट आने हैं, इन डेट में ये अमाउंट आने हैं। अब ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलाउड शंकर होल्डिंग 600 शेयर पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। शंकर जिसके पास 600 शेयर हैं उसने सारे पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए, मतलब उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे अलॉटमेंट पर ही दे दिए 600 शेयर को लेकर। तो ये देखो 600 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपये के अकॉर्डिंग बनता है 1200, और 600 शेयर का सेकंड कॉल मनी 3 रुपये के अकॉर्डिंग बनता है 1800। ये सारा अमाउंट उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया, ये सारा अमाउंट अलॉटमेंट दिया। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये क्लियर है क्या? अब आपको ये अगर क्लियर है तो सुनो, ये सारा अमाउंट उसने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे दिया, और कंपनी ये कहती है कि हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे कॉल इन एडवांस पर फेब फर्स्ट को। कंपनी उसको इंटरेस्ट भी देगी फेब फर्स्ट को, जो भी रेट उसका बनता होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको इसकी एंट्रीज बनवा के दिखाता हूँ एंट्रीज कैसे बनेंगी। आप मेरी बात को सुनो, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी सुनो, सबसे पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 2.5 रुपये आने हैं, और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 80,000। अब 80,000 पर 2.5 रुपये अगर आएंगे तो इसका मतलब है 2 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। 80,000 पर अगर 2.5 रुपये आएंगे इसका मतलब है 2 लाख रुपए का अमाउंट आ गया।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे सुनो, सेकंड एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेकंड एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोग लेकर जाएंगे बेटे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट चला जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा। अभी आप मेरी बात सुनते जाओ, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करूंगा, क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप बात करोगे अलॉटमेंट का 2.5 के अकॉर्डिंग, और मेरे पास शेयर है 80,000, तो अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू तो करोगे आप 2 लाख रुपए, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करोगे आप पूरे 2 लाख रुपए। रिसीव करने की बारी आएगी तो एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुनो, अलॉटमेंट के जो ये 2 लाख रुपए आने थे बेटे, ये तो हमें रिसीव होंगे ही होंगे। अलॉटमेंट के जो 2 लाख रुपए आने थे ये तो रिसीव होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ कॉल इन एडवांस भी आएगा, साथ ही साथ कॉल इन एडवांस अकाउंट भी तो आएगा। अब कॉल इन एडवांस कितना आएगा ये बताओ जरा। ये कहता है जी कॉल इन एडवांस, ये देखो 600 × 2 1200, तो ये आ गया, और 600 × 3 1800, ये आ गया। तो कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो 3,000 रुपये का अमाउंट ये हमारा रिसीव हो जाएगा। तो 2,03,000 ये अमाउंट हमारा रिसीव होगा जी। एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे, फटाफट से बता दो, ये क्लियर है क्या आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। बोलो इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना काम करने के बाद ये देखो, कॉल इन एडवांस के 3,000 रुपये मेरे पास आ गए। अगर आप चेक करोगे तो ये 3,000 में से 1,200 रुपये, हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखो, 1,200 रुपये तो फर्स्ट कॉल के हैं और 1,800 सेकंड कॉल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर रहा हूँ 80,000 × 2, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 1,600 रुपये। ये लो जी, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करवा रहा हूँ, ड्यू करेंगे ज्यादा, रिसीव करने में 1,600 कम आएंगे। मतलब ये है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट बनाएंगे। बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे 80,000 × 2 तो 1,60,000 आपका ड्यू हो जाएगा, 1,60,000 आपका ड्यू हो जाएगा। रिसीव करेंगे ना, एंट्री क्या बनाएंगे, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप ये देखो, 1,60,000 रुपये हमारे पास आने थे, 1,200 रुपये एडवांस आ चुके हैं, तो 1,58,800 ये अमाउंट रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा बेटे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, ये देखो आप सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे,
शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये देखो, सेकंड कॉल का जो अमाउंट है 3 रुपए के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे 2,40,000, 3 रुपए के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे 2,40, 3 रुपए के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे 2,40,000, और रिसीव करेंगे ना तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 2,40 में से, 2,40 में से हमारे पास कितना अमाउंट, सुनो, 2,40 में से हमारे पास 1,800 आ चुका है, तो 238,200 ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा। 238,200 ये अमाउंट हमारे पास रिसीव हो जाएगा इस तरह से। आप मेरे को ये बता दो, ये क्लियर है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल का अमाउंट इस तरह से रिसीव हो जाएगा। अब बेटे यहां देखिएगा, कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट है ना, वो 1,200 रुपये हमने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया और 1,800 मैंने सेकंड कॉल में एडजस्ट कर दिया, इस तरह से बनाया। ये मैंने कर दिया एडजस्ट, हो गया। अब आप मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकली जो चीज समझने वाली है वो क्या, इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे अलॉटमेंट पर ही एडवांस में दे दिए थे, तो उसकी एंट्री इंटरेस्ट को लेकर क्या होगी वो मैं बता रहा हूं। आप जरा एक बात सोचो, जो पैसे इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर देने थे 1,200 रुपये, वो पैसे इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर ही एडवांस दे दिए, यानी जो पैसे उसने नवंबर फर्स्ट को देने थे वो पैसे उसने जून फर्स्ट को दे दिए थे, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने पहले दे दिए। मतलब आप ये देखो, फर्स्ट कॉल वाले पैसे देने तो थे उसने नवंबर फर्स्ट को, दे दिए उसने जून फर्स्ट को, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे इस अमाउंट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो 12%, ये मैंने आपको बताया था। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इंटरेस्ट बन गया 60 रुपी, प्लस 1,800 का जो अमाउंट है जो उसने देना था फर्स्ट फेब को सेकंड कॉल के टाइम पर, वो भी उसने दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पर जून फर्स्ट को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 मंथ्स का, इसके ऊपर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट 12% से ये निकाल लो, ये भी आ जाएगा। अगर आप 18 इस पर निकालेंगे, 18 × 8 ये वैल्यू आ जाएगी 144, तो दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा 204, वो इंटरेस्ट आपका बनेगा 204, 204 रुपये। अब 204 अगर इंटरेस्ट बनेगा तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट पेड करने की जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, लिखो, अगर कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है, एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट आपका बनेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका जो अमाउंट बनेगा ये बनेगा बेटे आपका 204। और बेटा उसको, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट,
ये अमाउंट आएगा बेटा 204, ये अमाउंट आएगा बेटा 204, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये अमाउंट आएगा 204। ऐसे हम लोग इसकी एंट्री बना करके चलेंगे। आप मेरे को बताओ इतना सबको समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने आपको अभी तक की क्लास में दिया, ऐसे हम लोग कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर दोनों को डिस्कस करेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर बेटे मैं आपके मॉड्यूल को बेस बनाकर चलता हूँ, आपके नोट्स को बेस बनाकर चलता हूँ, तो ये देखिएगा जो मटेरियल मैंने आपको इशू किया या जो मटेरियल मैंने आपको दिया है, उस मटेरियल को अगर मैं बेस बनाता हूँ तो ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा मैं एंट्री बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर को लेकर, उसका डिफरेंस मैंने आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी मैं आपको बता दूं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक कंपनी जितने शेयर पब्लिक को करती है ऑफर, अगर उससे कम के लिए सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी उसे नाम देती है बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन का। लेकिन याद रहे अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको याद करा दूं मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल होता है। तो यहां देखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। लेकिन अगर मैं यहां आपके साथ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 है जहां मैंने लिखा हुआ है 17 को एक कंपनी ने अपने 43,000 शेयर इशू किए हैं जिनकी वैल्यू है 100 रुपीज ईच। 43,000 इंटू 100 अगर मैं करूं तो 43,000 इंटू 100 43 लाख के ये शेयर हो गए। मैं लिख देता हूं यहां क्वेश्चन जो है 43,000 शेयर हम लोग इशू करने वाले हैं, 43,000 इंटू 100 आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 43 लाख, ये अमाउंट हमारे पास आएगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, पर आने हैं 20 रुपए, अलॉटमेंट पर आने हैं 30 रुपी, फर्स्ट कॉल पर 25, सेकंड कॉल पर 25। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के ये पैसे आने हैं। हुआ क्या है, 40,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, इसी बात से जस्टिफाई कर सकते हैं 40,000 के लिए अगर आपका एप्लीकेशन आया है, इसका मतलब ये हो गया हम बेचना चाह रहे थे 43,000 शेयर, पब्लिक से एप्लीकेशन आई है 40,000 के लिए, और आप देखोगे टाइम टू टाइम हमारा पैसा रिसीव हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता इसमें एंट्री बनवाने की जरूरत है। सिर्फ आपको ये याद रखना है अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर कम के लिए एप्लीकेशन आएगी, जितने के लिए एप्लीकेशन आए उतने के लिए आप क्या कर दो एंट्रीज बना के चले। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नया इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर केस आ जाता ओवर सब्सक्रिप्शन का तो आपके लिए चीजें बदल जाती। अगली जो क्लास में करूंगा वो प्योरली ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर होगी, और बहुत क्या क्लास होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर। इतना टॉपिक समझ के चलो अगली क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर मैं आपको करवाने वाला हूं ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं अनअकैडमी पर हम लोग एक से एक टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स को लेकर एक से एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है तिलक राज जैन और मेरा कोड है तिलक राज। अगर आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको भाई 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और इस कोड को भूलिएगा मत। और दूसरी बात, हमारा जो है यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल
क्योंकि आपको यहाँ मोर अपडेट्स टाइम टू टाइम आपके लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर। थैंक यू।